टू कारमैन इंडिया। मैं हूं आपका होस्ट राहुल। एंड आज जो कार हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, ये अभी तक की कार से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक आपने ज़्यादातर देखा होगा हमारे चैनल पे आपको एसयूवी ओरिएंटेड कंटेंट ज़्यादा देखने को मिला होगा। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम आपके लिए एक सेडान लेके आए हैं, विच इज़ द मोस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेडान इन द बजट कैटेगरी, विच इज़ द फॉक्सवैगन वर्टस। तो चलाने में तो इस कार का कोई जवाब ही नहीं है, लाइक ड्राइविंग प्लेजर इस कार का ए प्लस है, जैसा कि सारी VW कार्स का होता है। बट ये पर्टिकुलर जो कस्टमर है, जब उन्होंने कार परचेज करी तो उस चलाने में वो जितना ज़्यादा सेटिस्फाइड थे इस कार से, उतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड वो अपने म्यूजिक सेटअप से थे, कि इस कार के अंदर जो फैक्ट्री फिटेड म्यूजिक सेटअप आता है वो बिल्कुल भी अप टू द मार्क नहीं है, उसकी क्वालिटी से वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। सो वो पहले भी हमसे अपनी टू कार्स के अंदर हमसे ऑलरेडी ऑडियो अपग्रेड करवा चुके हैं, सो दिस इज इज थर्ड कार। एंड ही वॉज लाइक कि इनकी ट्रैवलिंग क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रहती है, तो वो कहते मुझे अपनी कार के अंदर एक प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड चाहिए, ताकि जब जितना मर्जी मैं ट्रैवल कर लूँ मुझे बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगना चाहिए, एंड आई शुड बी एंटरटेन ऑल द वाइल। सो इस कार के अंदर हम करने जा रहे हैं एक टू वे एक्टिव सेटअप। अभी तक आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा दैट ज़्यादातर हमने आपको थ्री वे एक्टिव सेटअप शोकेस करे हैं, बट ये पर्टिकुलर कस्टमर है, इनको वोकल्स की तरफ कोई बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं था, उन्हें बस म्यूजिक क्लैरिटी अच्छी चाहिए थी। सो इसके अंदर भी आई गोइंग फॉर टॉप ऑफ द लाइन टू वे ट्विन टू वे एक्टिव ऑडियो सेटअप। एंड जो भी इसके अंदर ऑडियो सेटअप होने वाले, दैट इज कम्प्लीटली गॉन बी बाई JL ऑडियो। सो JL ऑडियो के टॉप ऑफ द लाइन टू वे कंपोनेंट स्पीकर्स, विच इज़ अ C5 फ्रंट पे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं C5 कंपोनेंट स्पीकर्स, एंड रियर पे हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं C2 कंपोनेंट स्पीकर्स, क्योंकि कस्टमर का यही कहना था कि उनकी ज़्यादातर सोलो ड्राइविंग ही रहती थी एंड पीछे की स्टेजिंग उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए थी। साथ ही के साथ फॉर बेस हम इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं JL ऑडियो का एक एक्टिव सब ऊपर, विच इज़ अ 10 इंच एक्टिव सब ऊपर, एंड इनके भी लिस्टिंग के लिए हमें साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी। एंड इन सब को ड्राइव करने के लिए जो पावर हाउस हमारा रहने वाला है, दैट इज़ गॉन बी टॉप ऑफ द लाइन JL ऑडियो VXI सीरीज 8-चैनल एम्पलीफायर विद अ 10-चैनल DSP। सो जो 8-चैनल एम्पलीफायर है इसके इनबिल्ट हमें जो मिलता है, वो हमारे चारों के चारों कंपोनेंट स्पीकर्स को एक्टिव रन करने वाला है, एंड जो हमारा एक्टिव सब वूफर है उसको भी इस DSP के थ्रू ही कंट्रोल किया जाएगा। सो काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन सेटअप रहने वाला है। हेड यूनिट हम कार का नहीं चेंज करने वाले। अब इसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है वो मैं आपको चल के अब दिखा देता हूँ। सो स्टेप नंबर 1 वाइल अ प्रॉपर ऑडियो अपग्रेड इज़ अ साउंड प्रूफिंग। सो मैं आज काफ़ी सारे मिथ्स भी डिबंक करना चाहूँगा। लाइक काफ़ी कस्टमर्स के माइंड में ऐसा रहता है कि जब भी हम एक जर्मन कार परचेज करते हैं, बीट अ फॉक्स वैगन एंड स्कॉडा, सो काफ़ी लोगों को ये लगता है कि इसके अंदर हमें साउंड प्रूफिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती। बट लेट मी टेल यू, जब भी हम एक अच्छा ऑडियो सेटअप लगाते हैं तो साउंड प्रूफिंग करना मैंडेटरी होता है, चाहे वो आपकी फॉक्स वैगन स्कॉडा हो या फिर अपनी नॉन यूरोपियन कार कोई भी हो, साउंड प्रूफिंग इज मैंडेटरी। सो इस कार के अंदर हमने करी है डबल ए साउंड प्रूफिंग, जिसके अंदर हमारी इनर वाली लेयर भी साउंड प्रूफ की गई है, आउटर वाली लेयर भी की गई है। नाउ द मिथ नंबर 2, जो कि काफ़ी कस्टमर्स के माइंड में रहते हैं कि जब भी हम इस टाइप की कार्स के अंदर कोई ऑडियो अपग्रेड करवाते हैं, कोई भी एक्सेसरीज मॉडिफिकेशन करवाते हैं, सो हमारी कार की वारंटी को लेके कोई इश्यूज आ सकते हैं या फिर कल को कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हो सकता है। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जब भी आप एक प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन अपनी कार के अंदर करवाते हैं फ्रॉम पीपल लाइक अस, सो वी मेक श्योर कि आपकी जितनी भी ओरिजिनल वायरिंग डायग्राम होता है उसको हम बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करते, एंड आपकी ओरिजिनल वायरिंग को कहीं से भी कट नहीं किया जाता, टैम्पर नहीं किया जाता, विच विल मेक श्योर कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक वारंटी है वो भी आपके अंडर इंटैक्ट रहती है, प्लस आपको ऑडियो अपग्रेड भी काफ़ी अच्छे से करके दिया जाता है। सो हमारे जो फ्रंट में C5 कंपोनेंट स्पीकर्स है, उसका मिडवेज ड्राइवर, जैसे कि आप लोग देखेंगे, जो हमारे एक प्रोफेशनल वे ऑफ इंस्टॉलेशन है यूजिंग अ स्पेसर एंड अ वाटर गार्ड, वेरी नीटली यहाँ पे हमारे मिडवेज ड्राइवर को इंस्टॉल किया गया। एंड जो हमारे ट्विटर्स आते हैं, इसके ट्विटर्स को इंस्टॉल किया जाएगा इसके स्टॉक पोजीशन पे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फ्रंट का हमारा जो ए पिलर होता है, ए पिलर के अंदर कंपनी में ऑलरेडी स्पेस प्रोवाइड कर दी है ट्विटर लगाने के लिए, सो ओरिजिनल प्लेस पे ही ट्विटर को लगाया जाएगा, अलग से हमने कोई प्रोविजन इसका क्रिएट नहीं करना है। यही हम आज इसके रियर वाले डोर में, सो रियर वाले डोर में भी डबल ए साउंड प्रूफिंग कैरी आउट की गई है, एंड C2 कंपोनेंट स्पीकर हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए, एंड रियर वाले डोर पैनल के अंदर भी हमें ट्विटर लगाने का स्पेस प्रोवाइड किया जाता है, वहीं पे ट्विटर को इंस्टॉल किया जाएगा। नाउ कमिंग टू द बूट, दिस इज द सब वूफर जो कि हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, 10 इंच एक्टर सब वूफर, एंड ये हमारा बिल्कुल एक कॉर्नर ऑक्यूपाई कर लेगा, एंड बिल्कुल भी हमारी बूट स्पेस को बिल्कुल भी ज़्यादा ऑक्यूपाई नहीं करेगा। साथ ही के साथ इसका जो मैं कनेक्टर आप यहाँ पे देखेंगे, जो एक प्रोफेशनल वे ऑफ डूइंग होते हैं, जो हमने स्लीविंग करी है वायरिंग की प्रॉपर, यहाँ पे ब्रांडेड RC केबल्स लगाई गई है, OFC वायर्स यूज की गई है, सो वी हैव मेड श्योर कि क्वालिटी के अंदर किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, एंड दिस इज सिंपली प्लग एंड प्ले। तो हम कभी भी प्लग करके वूफर को इसके अंदर ऑन कर सकते हैं, अगर हमें वूफर को हटाना है तो सॉकेट को हम रिमूव करके एज इट इज़ रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्पीकर्स एंड वूफर का। अब मैं चलते कार के अंदर, एंड इसका जो ब्रेन ऑफ द सिस्टम है विच इज़ द एम्प विद द DSP, उसकी इंस्टॉलेशन मैं आपको चल के दिखाना चाहूँगा।
सो अब हम आ चुके हैं कार के अंदर एंड जैसे कि आप लोग अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमारा जो एम्पलीफायर विद द डीएसपी है उसको काफी प्रोफेशनली पैसेंजर सीट के नीचे इंस्टॉल किया गया एंड जितनी भी वायरिंग हमने कैरी आउट की है एवरीथिंग इज प्रॉपरली अंडरग्राउंड एंड आपको कोई भी वायर इधर उधर आपको हिलती डुलती नहीं दिखेगी, आपको एवरीथिंग इज इट प्रॉपर प्लेस एंड जितनी भी वायरिंग है उसकी प्रॉपर जैकेटिंग करके टाई बेल्ट के थ्रू काफी उसको प्रोफेशनली यहाँ पे इंस्टॉल किया गया। बट प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन करना इज नॉट द एंड, रादर इट इज द स्टार्टिंग। तो प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन तो कंप्लीट हो ही चुकी है, अब मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हमारे ऑडियो एक्सपर्ट मिस्टर सचिन जी से, जो कि सारा का सारा जितनी भी हाई एंड इंस्टॉलेशन की ट्यूनिंग होती है वो सारी वो खुद कैरी आउट करते हैं। सो जब तक अपना वो खुद उसके अंदर एफर्ट्स नहीं डालेंगे, ट्यून नहीं करेंगे, तब तक हमें डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं एक्सपीरियंस करने को मिलते। तो अब मैं चाहता हूँ कि वो आपको अपना बताएं कि आज हमने इस सेटअप के अंदर ऐसा अलग क्या करें जो बाकी लोग जनरली नहीं करते भाई ट्यूनिंग। हाय फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मतलब एक ही हमेशा मेरा कोशिश रहता है कि बेस्ट ऑफ द ट्यूनिंग टू बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड ट्रस्ट मी, मतलब ये प्रोडक्ट जेएल का मतलब कहते हैं ना वो छोटा बॉम्ब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ये कुछ ऐसा सही प्रोडक्ट है। मतलब ट्रस्ट मी, अलग क्या करा आज आपने इसके अंदर? देखो अलग बोले तो जितने भी प्रोसेसर्स हैं स्पेसिफिकली हाई एंड प्रोसेसर्स, इन सब के अंदर एक जो बेसिक प्रोटोकॉल रहता है हमारा या एसओपी रहता है वो स्टेप बाय स्टेप ट्यून करना रहता है, जिसमें आरटीए भी होगा, इक्वलाइजेशन भी होगा, क्रॉसओवर सेटिंग्स भी होंगी, ऐसी कुछ एक और चीज़ें भी हैं जो हमें कैरी आउट करनी पड़ती है। बट ट्रस्ट मी, मतलब जब एक्टिव सेटअप एक गाड़ी में किया जाता है, जैसे कि हम पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुके हैं कि एक्टिव सेटअप क्या होता है, मतलब एक क्वालिटी ऑफ साउंड, एक क्लैरिटी ऑफ साउंड, एक सराउंड साउंड के अंदर, मतलब एक ऐसा लेवल है जो कि मैं आपको यू नो माइक पे तो नहीं डिस्क्राइब कर सकता और कहीं ना कहीं माइक जस्टिस कर भी नहीं सकता इन चीज़ों को। बट एक बारी अगर एक्टिव का सेटअप सुन लिया किसी भी कस्टमर ने, सो वो वापस पैसिव सेटअप पे नहीं जा सकता, दैट इज द एश्योरेंस व्हाट आई कैन गिव। टू वे में एक्टिव अभी तक किसी गाड़ी में नहीं आया, बट जितनी भी गाड़ी में थ्री वे आ रहे हैं, टू वे पैसे भी है, दिस इज आपको जैसे टू वे एक्टिव सेटअप भी काफी लोगों ने करे होंगे, बट दिस इज नॉट समथिंग वेरी कॉमन। तो कॉमनली तो लोग टू वे पैसिव सेटअप्स ही करते हैं, बट दैट इज अ वेरी बेसिक थिंग टू डू। आपने क्रॉसओवर लगाया, दो स्पीकर लगाया ना, आपका कनेक्ट हो गया। बट एक्टिव सेटअप के अंदर जितनी मेहनत लगती है और जितनी डिटेलिंग लगती है, तो कॉमन मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अगर हम टू वे पैसिव की जगह टू वे एक्टिव पे जाते हैं तो हमें कितना फर्क मिलता है हमें उसके अंदर साउंड में? सी फर्क इज फिनोमिनल। मतलब एक टू वे पैसिव के अंदर आपको नो डाउट एक बहुत अच्छा साउंड रिस्पांस मिलता है, जिसमें आपको वोकल क्लैरिटी या ट्रेबल या बेस सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन सेग्रीगेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं मिलेगा कभी भी आपको। ये एक्टिव के अंदर आप एक एक नोट डिटेल्ड में और डिस्टिंक्ट सुन सकते हैं, द बेस्ट पार्ट ऑफ एक्टिव। मतलब आज मेरे साथ एक कस्टमर आफ्टर ट्यूनिंग सेशन बैठता है और बोलता है कि नहीं भैया आपने अपने हिसाब से ट्यून कर दिया, अब मेरे हिसाब से सॉल्ट एंड पेपर डालो सिस्टम में, इन द सेंस थोड़ा सा ट्रेबल डाउन कर दो, थोड़ा सा वोकल अप कर दो या व्हाटएवर, वो सब हम आरटीए ट्यूनिंग करते हैं, जैसे हमने एक बॉइल्ड फूड प्रिपेयर कर दिया, अब उसके अंदर स्पाइस तो हर किसी को अपने हिसाब से ही डालना है। करेक्ट, अब वो सब जो कस्टमाइज नीड्स होती हैं, देखिए हर एक का लिस्टिंग लेवल डिफरेंट है, आज हो सकता है मेरे को ज्यादा बेस पसंद है और आपको ज्यादा ट्रेबल पसंद है, किसी को ज्यादा वोकल्स पसंद है, कोई जगजीत सिंह की गजल सुन रहा है वो बोलेगा मुझे वोकल्स थोड़े ज्यादा क्रिस्प चाहिए, या अरिजीत सिंह सुन रहा है बी प्रैक सुन रहा है, व्हाटएवर। तो ये जो कस्टमाइजेशन है या ये जो हम जो ट्वीकिंग करते हैं ये एक्टिव सेटअप में बहुत इजीली कर सकते हैं, पैसिव में दिस इज नॉट पॉसिबल, लिमिटेशंस होती है, लिमिटेशंस। यस, तो फाइनली हमारी ट्यूनिंग जो इस कार की है वो तो कंप्लीट हो चुकी है एंड टेक्निकली भी आप लोगों को काफी, जो भी हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर्स है जिनको एक्टिव एंड पैसिव सेटअप्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं पता, सो आई गेस उनके लिए भी काफी ज्यादा एजुकेशनल रही होगी ये वाली वीडियो। एंड सिंस हमारी ट्यूनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं आपको चल के सुनाता हूं इसका एक ऑडियो आउटपुट, कि ऑडियो आउटपुट कितना मैजिकल हमें इस कार के अंदर एक्सपीरियंस करने को मिलता है। गल सुन ललारी आवे आलोक मेरे ते हस दे, पैसे ज्यादा दे दूंगी मैचिंग कर देगा तो दस दे, सुन ला वे गिट्टू सिम चाही दी आला फोटो वे फरारी लाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया वे मेरे यार दी गड्डी दे नाल चंगे लगदे आ ता ही सोचा कुंडला पवालवा, सोचा शरेआम हो जा सोचदी आ ना मैं ओदा गुट्टी उत्ते टैटू बनवालवा, सोचदी फिटाल दी मैं फेंटम दे नाल दी मैं इक होर कुड़ती जवालवा, ओ मुंह देख के ता मेरी हो जवे उम्र वधी दे नाल दी, ए चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड़ी।
सोनी चुनी लगे जट्टी दे लेके मेनू जदो देखेगा गाना लिख दे कम मेनू बड़े सने अरे कोनो कड़े नाले हले बस पूरा गेड़ा मारना आंदा है प्यारे ओदा होना एक बारी ओदा जज नाल हुई मैं तैयार ना डर लगदा ना किथे रह जवां सदी ना सदी दे नाल दी। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने अभी भी एक्सपीरियंस किया कि इस कार का जो साउंड आउटपुट है दैट इज रियली वेरी एस्क्यू एंड क्लीन इन नेचर। लाइक कोई भी फ्रिक्वेंसी आपस में किसी को भी ओवरलैप नहीं कर रही एंड जो एक डिस्टिंक्ट फ्रिक्वेंसी सेग्रीगेशन हमें एक्सपीरियंस करने को मिल रही है दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ एन एक्टिव सेटअप। क्योंकि इस कार के अंदर हमने किसी भी तरह का कोई पैसिव सेटअप नहीं किया एंड एक्टिव सेटअप के क्या एडवांटेजेस होते हैं वो हम ऑलरेडी वीडियो के अंदर कवर कर ही चुके हैं। सो अगर आप सब भी अपनी कार के अंदर ऐसा ही एक प्रीमियम ऑडियो अपग्रेड प्लान कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह की आपकी कोई कार एक्सेसरीज की नीड है इन दैट केस यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। जो शोरूम का एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अलॉन्ग विद गूगल मैप्स लिंक जिसको क्लिक करके आप डायरेक्टली हमारे शोरूम तक नेविगेट कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ यू वॉन्ट टू स्टे अपडेटेड विद अवर डेली अपडेट्स देन यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। जो इंस्टाग्राम पेज का यूजर हैंडल है वो नीचे आपको यहाँ पे स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा so you can go and follow us there. Also, if you guys have any feedback related to our work, you can leave it in the comments box below because your feedback is really very valuable to us. And अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है ना आपको काम हमारा अच्छा लगा then do like this video and share it with your friends and family so that हमें भी एक motivation मिले कि आपके लिए हम ऐसे ही content लेके आते रहे and जब तक next video आप लोगों के लिए लेके आते हैं till then keep supporting, keep showing love. This is me, Rahul, signing off for a day. Thank you.